सूरत ना सारोली में मेट्रो ना ब्रिज नो स्पान नमी पड़वानी घटना बाद संपूर्ण रस्तो बंद कर युद्ध ना धोरणे ब्रिज नो स्पान उतारी लेवानी तैयारी शुरू कर देवाई छे। सूरत में हाल मेट्रो की कामगिरी पूरजोश में चाली रही है, त्यारे सूरत ना सारोली खाते मेट्रो की कामगिरी दरमियान ब्रिज नो स्पान नमी पड़ो तो जेने लई पुलिस सहित अधिकारी और नगर सेवको स्थले दौड़ी गया था और रस्तो बंद कर कामगिरी कराई थी। तो मेट्रो अधिकारी द्वारा संपूर्ण रस्त बंद कर दी ब्रिज नो स्पान उतार कामगिरी शुरू कर दीधी है। तो ब्रिज बना हल्की गुणवत्तावाड़ू मटीरियल वपरू हो आशंका व्यक्त कराई रही थी। सूरत शहर सारोली पुलिस स्टेशन में आज जो मेट्रो बने छे एना ब्रिज में एक तिराड पड़ी थी। स्पान नंबर 700 एना बे स्पान वच्चे तिराड पड़ी थी, तो एना माटे कोई जानहानि ना थाय, कोई तकलीफ ना पड़े एना माटे तेने कड़ोदरा थी सूरत सिटी आवतो जे रोड छे ए एमां डायवर्जन आपवामां आव्युं छे। कड़ोदरा थी जेने सूरत सिटी में एंटर थयुं छे ए लोको सारोली जे गाम छे એમાંથી જશે અને સુરત સિટીમાંથી જે બહાર જાય છે સુરતમાં કડોદરા બાજુ એ લોકોને કેનાલ રોડ ઉપર ડાયવર્ઝન આપ્યું છે, તો એ જે ડાયવર્ઝન છે એને ફોલો કરજો અને બીજી કોઈ જ્યાં સુધી આ કામ નહીં થાય રિપેરિંગ કામ સમારકામ ત્યાં સુધી આ રસ્તો બંધ રાખવાનો છે અને બહુ જલ્દી આ લોકો કામ શરૂ કરી દેવાના છે। તો તમામને અપીલ છે કે આ જે ડાયવર્ઝન છે તો પેનિક થાવીને ટ્રાફિકને ફોલો કરી અને એમનો એમનો જે રસ્તો છે એમનો રસ્તો રસ્તે જાય। मेरा नाम कर्नल योगेंद्र सिंह चौहान है, मैं GMRCL में जनरल मैनेजर सिविल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पियर नंबर 747 और 748 के बीच में जो हमारा सेगमेंट है एक, वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप ये जो हमने स्पैन आप देख रहे हैं सामने, ये अभी हमने आज सुबह 1:30 AM पे डाला था और जब हमारा जनरली प्रोटोकॉल रहता है प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग सेगमेंट डालने के बाद में स्ट्रेसिंग के बाद कम से कम उसको 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एक सेगमेंट के अंदर कुछ फेलियर ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो इसके अंदर कोई अभी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है बिकॉज अभी तो हमने ब्रिज लॉन्च करा ही नहीं है, तो ब्रिज तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर है जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। तो एज़ फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न ये अभी एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जब जहाँ पर हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट्स आर देयर तो किसी सेगमेंट के अंदर कभी ऐसे माइनर इशू आ सकते हैं, तो इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो फिर भी हमने पब्लिक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रोड डाइवर्जन वगैरह एक्शन ले लिया है और हम इसको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी इसको डी स्ट्रेस करके इसका जो सेगमेंट है उसको चेंज करके करेंगे। अभी सेगमेंट क्यों परेशानी हो रही है या क्या इसका रीज़न है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, ये तो हम अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो डैमेज नहीं है, ब्रिज तो अभी हमने लॉन्च भी नहीं करा है स्पैन, ये तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर ही है, तो ये सिचुएशन आती है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के टाइम, इसीलिए ये एक प्रोटोकॉल है इसमें कि आपको लॉन्च करने से पहले उसको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ये अभी ऑब्जर्वेशन में ही है तो इसको अभी हम रिपेयर कर देंगे, इसमें कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है।